हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी। ये सब्जी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं सहजन की सब्जी। आलू और सहजन की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने एक बड़े से आलू थे उसको काट लिया है। इसका मैंने छिलका नहीं उतारा है। और ये 250 ग्राम सहजन है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक सहजन को मैं रख रखी हूँ आपके लिए दिखाने के लिए। इसको यहाँ पर हल्का सा कट लगाइए और इधर से ये छिल जाएगा। ये पार्ट जो है यहाँ से छील लीजिए। अब इसमें का सारा ऊपर का जो छिलका होता है ये मोटा होता है, तो इसे छीलना ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से छील लें। ऐसे छिल जाएगा, फिर इधर से छिल गया है तो हम इस साइड का हमें छिलना है, तो आगे से हम कट लगा लेंगे इसे, और इधर से ये छिल जाएगा। ये देखिए अच्छे से छिल गया ये, फिर इसको खींच लेते हैं। फिर हम जिधर से छिल गया उधर से हमें कट लगाना है, और ये आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। सहजन खाने के बहुत फायदे हैं, जैसे अगर शरीर में सूजन है तो आप ये खाएं, इससे वो कंट्रोल होता है और शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और इसे छीलने के बाद मैंने थोड़ी देर पानी में डाल दिया था, अब इसे हम अच्छे से धो के और निकाल लेते हैं पानी में से। ये मैंने सारे सहजन को निकाल लिया है पानी से। अब हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक जार ले लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे ये काली वाली जो सरसों होती है वो 1.5 चम्मच, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, 2 लाल मिर्ची, आप यहाँ पे मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 लहसुन को मैंने पूरा छील लिया है वो ले लेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल के इस मसाला को हम पीस लेते हैं। एक अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें सरसों का तेल लेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो जो सहजन हमने छील के और काट के रखा है वो डाल देंगे। और इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। दो से तीन मिनट से हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं सहजन को भूनते हुए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इतनी देर हमें भूनना था जिससे कि इसका हल्का सा कच्चापन जो होता है वो खत्म हो जाए। ये सहजन मैंने निकाल लिया। अब हम इसमें हम आलू डाल देते हैं। आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसे थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि हल्का सा पक ना जाए। आलू जो है वो अच्छे से भून गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
ये मैंने आलू भी निकाल लिया है इसमें। अब हम इसी तेल में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली वाली सरसों और 1 लाल मिर्च। मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब मसाले चटकने लगे तब हम इसमें जो हमने पीस के मसाला रखा है वो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि जितने भी इस जार में मसाले लगे हुए हैं वो निकल जाए। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल ना छोड़ दें। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। मसाले में से तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर और नमक। नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल लें। अब हमें टमाटर को और मसाले को एक साथ तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए। टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया है और मसाले भी बहुत अच्छे से भून गए हैं, क्योंकि देखिए मसाला जो है वो सेपरेट होने लगा है और तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें जो हमने आलू और सहजन को भून के रखा था वो डाल देंगे। 1 से 2 मिनट इसे हम मसालों के साथ पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर दें इसे पलट पलट करके। मसाला जो है सब्जी पे अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ढक के अब इसको खोलने दें। इसे ढक देते हैं और इसे खोलने देते हैं। सब्जी खोलने लगी है। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, तो आप उसी हिसाब से और अगर खोलाना चाहे तो खोला सकते हैं। ये आलू भी पक गया है। तो ये हमारी सहजन की सब्जी बनके तैयार हो गई। गैस को बंद कर देते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।